तो पढ़ेंगे आज प्रॉफिट एंड लॉस, है ना भाई। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट और लॉस क्या करेंगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, इसके पहले परसेंटेज वाली क्लासेस में हम लोगों ने पढ़े थे कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है ना। अगर नहीं पता है तो मोटा मोटा कुछ याद रखो, जैसे मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए, वन का मतलब होता है 100%। किसी भी नंबर का जो वन टाइम्स होता है वो उसका कितना होता है भाई, 100%। जैसे एक नंबर ले लिया तुमने 500, 500 का 100% क्या होगा, 500 ही होगा। 500 का अगर मैं 100% निकालूं तो क्या होगा इसका, 500 ही हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं किसी भी नंबर का 50% की बात करूं, 100 का मतलब उसका एक गुना होता है, मतलब पूरा वही नंबर ही आ जाएगा। अगर मैं किसी संख्या का 50% लूँ, 50% का मतलब कितना हो गया, आधा होगा। आधे का मतलब कितना होता है, 1/2। जैसे इसी संख्या 500 का अगर मैं 50% निकालूँ, इसका 50% कितना होगा, इसका 250 हो जाएगा। मतलब उसी संख्या का क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो 50% का मतलब कितना होता है, 1/2। फिर 25%, 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। 25% का मतलब कितना होता है, 1/4। अब ये नहीं आता ना तो आप कन्वर्ट करना सीखिए। देखिए कैसे करते हैं, जैसे 50% को हमने 1/2 कैसे लिखा, परसेंटेज को जब हम भिन्न में बदलते हैं तो 100 से हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 2 कितना हो गया, 10। ये कितना आ जाएगा, 1/2। 25% को 1/4 कैसे लिख दिए, क्योंकि इसको जब भिन्न में बदलेंगे तो 100 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 25 बटे क्या हो गया, 100। 25 एकम 25, 25 चौका 100, 1/2 कितना आ गया, ये 4 आ गया। ये पहले सीखना मोटा मोटा। फिर अगर मैं निकाल रहा हूँ 10% का मतलब क्या है, तो 10% बराबर क्या होगा भाई, 10/100। 10/100 का मतलब कितना हो जाएगा, 1/10। तो किसी भी संख्या का 10% का मतलब कितना हो गया, 1/10। भिन्न में मान लिखना पहले आना चाहिए मोटा मोटा, फिर आप समझो। इसके बाद ये समझ में आ गया ना, अगर अगर मैं कहूँ, देखो एक चीज ये आप समझ गए, आप मोटा मोटा जो समझ गए उसको लिख लेते हैं यहाँ। देखो तुम ये समझ गए कि 100% का बराबर कितना होता है भैया, 1 होता है। 50% के बराबर कितना होता है भैया, 1/2 होता है। और 25% का मतलब बराबर में क्या होता है, 1/4 होता है। 10% का मतलब बराबर में कितना होता है भैया, 1/10 होता है। ये बात समझ में आ गई अपने को। तो अगर मैं कहीं पर कहूँगा आपसे, जैसे मान लो अगर मैंने कह दिया कि 75% का बराबर क्या होगा, 75% का बराबर क्या होगा, तो 75% के बराबर क्या होगा जरा बताओ। 25 3 75 होता है, मतलब 300 दोनों साइड क्या कर दें, गुणा कर दें। तो 75% बराबर क्या होगा, अगर भिन्न में बदलेंगे तो ये 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। इस 10% को हमने ये लिखा है। अब इसको अगर हम मल्टीपल में लिखना चाहें, इसको अगर आप मल्टीपल में लिखना चाहते हो, जिसमें 20% का मान निकालूँ तो क्या होगा, 20% का मतलब 2 से हमने गुणा किया दोनों साइड, 2 से दोनों साइड गुणा करेंगे तो ये 20 हो गया। ये 2/10, 2/10 का मतलब कितना होगा, 1/5। 1/5 कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। मात समझ में आ गई कि नहीं। अब देखो 20% का मतलब 1/5 हो गया, तो 30% का मतलब क्या हो जाएगा, इसी को 3 से गुणा कर दे दोनों साइड। देख जरा इसको, इसको 3 से गुणा करेगा ये कितना हो जाएगा, 30%। वहाँ कितना हो जाएगा, 3/10। ये हो जाएगा 3/10। ये बात समझ में आ गई, ये हो जाएगा 3/10। दूसरे में आ जाओ, अगर मैं 40% की बात करता, तो अगर मैं 40% की बात करूं तो इसी को हम 2 से दोनों टाइप क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो 20 का क्या हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। उधर मल्टीप्लाई करोगे 2/ क्या हो जाएगा, 5। ये हो जाएगा 40% बराबर हमारा यहाँ से हो जाएगा। ये सब हम लोगों ने परसेंटेज वाली क्लास में ऑलरेडी देख ली है। ये हो जाएगा 2/5। 40% को अगर हमें भिन्न में लिखना हो तो ये क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। फिर अगर मैं 60% की बात करूँ, तो अगर आप 60% की बात कर रहे हो तो क्या लिखोगे, अगर यहीं से मुझे 60% निकलना हो तो क्या होगा जरा बताओ। 60% का मतलब इसका 3 गुना कर दें, इसका 3 गुना करेंगे भैया तो कितना हो जाएगा, 3/5। 3/ क्या हो जाएगा, 5। या तो तुम यहाँ से देख लो, यहाँ से अगर इसको डबल करते, यहाँ से इसको मैं डबल करूँगा तब तो 60 होगा, ये 30 गुना क्या हो गया, 60। इसका 2 गुना करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये 3 6/10। 6/10 का मतलब कितना हो गया, 3/5। कहीं से भी निकालोगे सब वही आएगा, बस याद रखने का एक तरीका निकालना अपना। समझ में आ गया ना मोटा मोटा, ये ऐसे कैसे बदलेंगे, ये समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो 80% आ गया कहीं, तो 80% आता तो क्या लिखते है? देखो यहां से अगर मुझे 80% लिखना होता तो 80% बराबर कितना हो जाता,
भाई इसका गुणा करते, 40 दुना 80 हुआ, तो 2 दुना कितना हो गया 4, 4 बटे 5, 80% का मतलब कितना हो जाएगा 4/4/5। ये बात समझ आ रही है ना मोटा मोटा क्या है ये। इसके बाद समझो, अगर 90% निकला होता तो यहाँ से, अगर मुझे 90% निकला हो तो 9 से गुणा करेंगे तो ये 90% बराबर कितना हो जाएगा 9/9 भाई क्या हो जाएगा ये तुम्हारा 10 आ जाएगा। बात समझ में आया? तो परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलते हैं, बस 100 से भाग देना होता है, लेकिन मोटा मोटा याद रहेगा तो जल्दी से लिख पाओगे, नहीं तो वो डिवाइड करने में भी पड़ना टाइम तुम्हें खर्च करना पड़ेगा। बात समझ में आई मोटा मोटा कैसे करना है ये सब? ये क्लियर हुआ? आगे बात करें देखो, अब ये तो सिंपल थे थोड़ा सा याद करने थे, कुछ थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को भी याद रखना चाहिए। जैसे जैसे कहीं आया 33.33%, या इसी को लिखा जाता है 33 सही 1/3%, इसको भिन्न में लिखना होगा तो ये क्या होगा? याद रखना ऐसी चीज़ों के लिए, ये क्या होता है 1/3 होता है, इसको भिन्न बदले में देखिए कितना होगा 1/3 होगा। 33% 33 सही 1/3% या 33.33% का मतलब भिन्न में बदलेंगे कितना हो जाएगा 1/3। तो अगर मैं इसका 2 गुना कर दूँ, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा ज़रा बताओ? अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता तो क्या हो जाता? 66.66% आ जाएगा, या इसका मतलब क्या हो गया 66 सही, ये हो जाएगा 2/3%, 66 सही 2/3% बराबर कितना हो जाएगा ये 2/3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/3। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब ये समझो फिर 1/6 की देखो यार, अगर कहीं लिखा है 16.66% का मतलब कितना हो गया 1/6 क्या होगा 6। अगर मैं इसका 2 गुना कर दूं तो क्या हो जाएगा? इसका 2 गुना करें तो क्या होगा 16.6, ये 2/6 1/3 वही आ जाएगा ना, बात वही बन जाएगी हमारी। इसका 3 गुना करें तो कितना हो गया 3 गुना करेंगे 1/2, अरे लगभग 50% आ जाएगा ये। 4 गुना करें तो 2/3 वही आ जाएगा सब, ये बढ़ेंगे आगे हम लोग। ठीक है, 5/6 करें तो, अगर 5 से मल्टीप्लाई करूं तो, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा अगर इसको, तो हाँ बोलो कितना आएगा? ये तो 5/6 आ गया, चलो इसको 5 से तुमने मल्टीप्लाई किया, 5 से मल्टीप्लाई किया ये 5/6 आ गया, ये समझ में आ गया। इधर परसेंटेज वाले में अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा जरा बताओ? 6/5 30 6/5 30 3 कितना हो गया तुम्हारा 33, 16/5 80, ये 83.5 समथिंग आएगा अप्रॉक्स। ठीक है ना, 83 कितना जाएगा 33 आएगा, 83.33% आएगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। ठीक है, ये लिख लो, ये 1/6 का मान है, ये मोटा मोटा ध्यान में रखना। और जो सबसे ज़्यादा खास है, जिसको आपको ध्यान में रखना है, जिसे भूलना नहीं किसी कीमत पे, वो 1/7 का है। वो किसका है? 1/7 का है। 1/7 का जो मान होता है, अगर भिन्न में, अगर प्रतिशत में लिखे तो ये होता है 14.2857%। 1/7 का मान कितना होता है 14.2857%, अगर प्रतिशत में लिख रहे हो तो। भिन्नात्मक मान इसका 1/7 होगा, लेकिन अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना तो क्या होगा? देखो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसको याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। इसको 2/7 अगर हम देख रहे हैं तो इस पहले वाले नंबर को, ये जो दूसरा 2 नंबर लिखा है ना, इसको 2 से बस मल्टीप्लाई करो, तो 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 28। तो बस नंबर को 28 से लिखना स्टार्ट कर दो तो 28 क्या हो जाएगा ये 5.7%। अब 3/7 का मतलब क्या है? इसी नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दो कितना होगा 14 3 42। तो ये 42 तुम्हें यहाँ से दिख रहा है ना, ये है 4/2, ये दिख रहा है, यहाँ से नंबर लिखना स्टार्ट कर दो तो 42 क्या हो जाएगा तुम्हारा 8.5% हो जाएगा। अब आ गया तुम्हारा 4/7, इसी नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 14 4 कितना होगा 56 के लिए कोज नंबर कौन सा है तुम्हारा 57, तो हो जाएगा 57.14%। सिर्फ 5/7 की अगर आप बात करोगे तो इसी को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 5 70 70 का मतलब क्या हो गया 71, यहाँ से लिखोगे 71.42% हो जाएगा। फिर 6/7 का निकालोगे इसी तरह से, 6/7 का कितना आ जाएगा जरा देखो,
सिक्स बाई सेवन इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से, जब उसको 6 मल्टीप्लाई करोगे 14 सिक्स 84, 85 इसका क्लोज नंबर है तो 85.71% हो जाएगा। ये 7 वाला बहुत खास है, इसको ध्यान में रखना। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलना है, कैसे करना है, ये ध्यान में रखना। कुछ वैल्यू ज़्यादा रहेंगी है ताकि कैलकुलेशन अपने फटाफट कर सको। समझ में आई बात? डन, यहाँ तक नोट हो गया? समझ में आया नहीं सब? इसको याद कर लेना, नहीं तो परसेंटेज वाली वीडियो में जाकर उसको हमारा आराम से देख लो, सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें, हटाएं से। चलो अब देखो, प्रॉफिट एंड लॉस हम लोगों को जो पढ़ना है आज, वो क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हिंदी में आप कहते हैं क्या, प्रॉफिट को हिंदी में कहते हैं लाभ, और लॉस को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? हानि। ठीक है, देखो लाभ आपको किसी वस्तु पे कब होगा, किसी चीज़ पे आपको लाभ कब होगा? जब किसी चीज़ को हमने जितनी रुपए में ख़रीदा है उससे ज़्यादा रुपए में हम उसको सेल करें, चाहे एक पैसे ज़्यादा में ही क्यों ना सेल करें, लेकिन जितने में हमने उसको ख़रीदा है उससे ज़्यादा में अगर हम सेल करेंगे तो हमें लाभ होगा हमेशा, कोई भी चीज़ हो। बात समझ में आ रही है? या हम कोई सर्विस दे रहे हैं तो जितना हमारा उसमें इनपुट है, जितना कॉस्ट लग रहा है, जितना हमने अपने खर्च किए, जितनी हमारी एनर्जी या जो भी चीज़ें हमारे लग रहा है, उससे ज़्यादा हम उससे पैसे की डिमांड कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या होगा? प्रॉफिट होगा, वो हमारी सेविंग होगी। फिर बात समझ में आ रही है? फिर ये क्या होगा? लॉस का मतलब क्या है? कोई भी चीज़ जो हमने खरीदी है जितने भी रुपए में, उससे कम रुपए में उसको सेल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो किसी चीज़ को तुमने 100 रुपए में ख़रीदा, 95 में सेल कर दिया, तो 5 रुपए का लॉस हो गया ना तुम्हें। लेकिन अगर किसी चीज़ को हमने 100 रुपए में ख़रीदा, 105 रुपए में सेल किया, तो 5 रुपए का तुम्हें क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। तो मोटा मोटा ये समझ में आ रहा है लाभ का मतलब क्या है, कि कोई भी चीज़ अगर मैं क्रय विक्रय कर रहा हूँ, मतलब बाई एंड परचेज एंड सेल कर रहा हूँ या, ठीक है ना, तो उस केस में क्या होगा? तो जिस प्राइस में हमने किसी वस्तु को खरीदा है, किसी ऑब्जेक्ट थिंग्स को हमने खरीदा है, उससे ज़्यादा प्राइस में हम उसको सेल करेंगे तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। जिस प्राइस में हमने खरीदा है उससे कम प्राइस में सेल करेंगे तो हमें क्या होगा? लॉस होगा। बात मोटा मोटा समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या है, देखिए किसी चीज़ को जिस प्राइस पर हम सेल करते हैं वो उसका क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है। तो सेलिंग प्राइस जो होता है, पहले ये समझो, सेलिंग प्राइस, इन शॉर्ट इसको लिखेंगे SP। क्या लिखेंगे इसको हम? ये सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं है, यहाँ SP का मतलब क्या है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब क्या है? विक्रय मूल्य। क्या है इसका मतलब? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब जिस मूल्य पे कोई चीज़ क्या की जाती है? बेची जाती है। हाँ, जिस मूल्य पे, हाँ, चीज बेची जाएगी, जिस भी मूल्य पर वो चीज बेची गई वो उसका क्या होगा? विक्रय मूल्य। कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज, कोई सर्विस हो सकती है, कोई गुड्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है भाई, फिर आता है एक कॉस्ट प्राइस। क्या होता है? एक कॉस्ट प्राइस, इसको लिखेंगे CP, कमिश्नर ऑफ पुलिस नहीं, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या है? क्रय मूल्य। क्या है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब जिस मूल्य पर चीज क्या गई? खरीदी गई। जिस मूल्य पर चीज खरीदी गई, जिस मूल्य पर कोई चीज खरीदी गई वो उसका क्या होगा? क्रय। अब मोटा मोटा समझ में आया कि अगर हम लाभ की बात कर रहे हैं, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं? लाभ की बात कर रहे हैं, मतलब अगर मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, तो प्रॉफिट का मतलब क्या है? जो हमारा विक्रय मूल्य होगा, जो हमारा विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य मतलब जिसको हम कहते हैं सेलिंग प्राइस, वो हमेशा किससे ज्यादा होगा? कॉस्ट प्राइस से, मतलब क्रय मूल्य से हमेशा क्या होगा? वो ज्यादा होगा। कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होगा? ज़्यादा होगा। अगर लाभ कितने का हुआ ये हमें निकालना है, तो हमारे पास क्या होगा कॉन्सेप्ट? लाभ बराबर होगा SP माइनस का CP, मतलब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा हमें कितने रुपए का प्रॉफिट मिला। ठीक, बात समझ में आई? प्रॉफिट का मतलब क्या है? अगर मैं लॉस की बात करूँ तो लॉस क्या होता है फिर बताओ? लॉस का मतलब क्या होगा?
लॉस जिसको आप कहते हैं हानि, इसका मतलब क्या होगा? हाँ, कि जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य से छोटा हो जाएगा, या यूं कह दें हम कि जो हमारा क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस, किससे ज़्यादा होगा? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बोले तो सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य से ज़्यादा होगा। इसका मतलब किसी चीज़ को हमने जितने भी रुपए में खरीदा था उससे कम रुपए में बेचा तो हमें क्या होगा? लॉस होगा ना इसमें। तो यहाँ पर हानि का जो हो जाएगा, हानि का मतलब क्या हो जाएगा? सीपी माइनस एसपी। सीपी माइनस एसपी क्यों? सीपी माइनस एसपी क्यों? क्योंकि सीपी बड़ा होगा, एसपी क्या होगा तुम्हारा? छोटा होगा। तो ये निकलेगा यहाँ से। पहले तो हम उस रुपए की बात कर रहे हैं कि कितना हमें मतलब लाभ हो रहा है, कितना क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। फिर इसी लाभ हानि को जब प्रतिशत में निकालेंगे ना, तो बेस में हमेशा क्या लिखेंगे? 100। हाँ, 100 नहीं बॉस, बेस में हमेशा कॉस्ट प्राइस को लिखेंगे। क्योंकि लाभ और हानि हम किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं? लाभ और हानि हम किसकी किस प्राइस के बेस पे बात कर रहे हैं? कॉस्ट प्राइस के ना। कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो गया अगर हमारा सेलिंग प्राइस तो हमें क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। कॉस्ट प्राइस से कम हो गया हमारा सेलिंग प्राइस तो हमें क्या हो गया? लॉस हो गया। तो प्रॉफिट और लॉस हम कॉस्ट प्राइस के बेस पे देख रहे हैं, इसलिए नीचे हम किसको डिवाइड करेंगे? नीचे हम किससे डिवाइड करेंगे? कॉस्ट प्राइस से। तो अब देखो, परसेंटेज जो आपका क्या होगा, या जो प्रतिशत आपका लाभ होगा, परसेंटेज प्रॉफिट, या इसी को कहेंगे क्या? लाभ। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा? जो लाभ हुआ तुम्हारा, मतलब जो प्रॉफिट हुआ, लाभ मतलब जो क्या हुआ, प्रॉफिट अपॉन में क्या होगा तुम्हारा? जो तुम्हारा कॉस्ट प्राइस है, जो तुम्हारा क्या है? कॉस्ट प्राइस है, जिसको कहते हैं हम क्रय मूल्य, इसी को कहते हैं कॉस्ट प्राइस, गुणे क्या होगा? सौ। हम लोगों ने प्रतिशत वाले चैप्टर में पढ़ा था, जब किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो हम सौ से क्या करते हैं? उसमें गुणा कर देते हैं। तो ये लाभ बटे क्या हो गया तुम्हारा? क्रय मूल्य या सी पी इंटू क्या हो गया? 100। इन शॉर्ट आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पी अपॉन क्या हो गया तुम्हारा? पी अपॉन सी पी इंटू 100। ठीक है ना? ये किसके इक्विवेलेंट है? पी कैसे निकला तुम्हारा? पी निकला तुम्हारा एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100। तो प्रतिशत लाभ इस तरह से निकलेगा, लाभ बटे क्या होगा? क्रय मूल्य गुणे 100। या प्रॉफिट अपॉन क्या हो गया तुम्हारा? कॉस्ट प्राइस इंटू 100। और प्रॉफिट हमेशा कैसे निकलता है? सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दोगे तो क्या निकल जाएगा तुम्हारा? प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है भैया, नोट किए इसको। अब परसेंटेज लॉस की अगर हम बात करें, तो परसेंटेज लॉस की अगर हम बात करें, मतलब हानि की बात करें, तो ये क्या होगा? जो हमारा लॉस होगा वो अपॉन क्या होगा हमारा? जो कॉस्ट प्राइस होगा इंटू क्या हो गया? 100। तो प्रतिशत लॉस बराबर, या प्रतिशत हमारा जो हानि होगा वो होगा लॉस, मतलब हानि बटे क्या हो गया? क्रय मूल्य गुणे 100। हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसको? हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। इससे क्या निकल जाएगा तुम्हारा? लॉस निकलेगा। लॉस कैसे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस माइनस का सेलिंग प्राइस, क्योंकि जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है वो सेलिंग प्राइस से क्या होता है? ज़्यादा होता है, तभी तो लॉस होता है हमें। समझ में आया? ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मार्जिन की। एक वर्ड आता है मार्जिन, एक वर्ड क्या आता है? मार्जिन, इसी को कहते हैं नेट प्रॉफिट। क्या कहते हैं इसको? नेट, हिंदी में कहते हैं शुद्ध लाभ। क्या कहते हैं इसको? शुद्ध लाभ। ये खास है, इसको ध्यान में रखना, मार्जिन, या इसी को कहते हैं नेट प्रॉफिट, या यही क्या है आपका? शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ हमेशा किस पे निकाला जाता है? ये हमेशा हमेशा सेलिंग प्राइस पर निकलेगा। सेलिंग प्राइस का मतलब जिसमें हमने उसको बेचा हुआ है, जो हमारा विक्रय मूल्य है उस पे निकलेगा। ये किस पे निकलेगा? ये विक्रय मूल्य पर निकलेगा। इसका जो फार्मूला बनता है, फार्मूला क्या है इसका? इसका जो फार्मूला है वो है प्रॉफिट अपॉन जो प्रॉफिट होगा हमारा, अपॉन एस पी इंटू 100।
प्रॉफिट अपॉन एसपी इनटू क्या होता है भाई 100, मतलब ऊपर हम प्रॉफिट लिखेंगे जो हमारा लाभ होगा, नीचे हम क्या लिखेंगे विक्रय मूल्य। हिंदी में अगर आप इसको लिखना चाहें तो ये होगा लाभ बटे विक्रय मूल्य गुणे क्या होगा भाई 100, लाभ बटे विक्रय मूल्य गुणे 100 होगा, ये मार्जिन है या शुद्ध लाभ ऐसे निकला जाता है। ठीक है, अब देखो कभी कभी लाभ को कहेगा कि इसमें बदलो, शुद्ध लाभ में बदलो, कभी कहेगा शुद्ध लाभ को किसमें बदलो, शुद्ध लाभ को लाभ में बोलो, लाभ में बदलो, मतलब प्रतिशत लाभ में बदलो, कैसे निकालोगे। देखो ये बस ध्यान रखना कि जब हम नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस की बात करते हैं तो बेस में हमेशा क्या आता है, सीपी आता है, कॉस्ट प्राइस आता है हमारा, जो हमारा क्रय मूल्य होता है। जब हम मार्जिन की बात करते हैं तो बेस में हमेशा क्या आता है, हमारा सेलिंग प्राइस आता है, या हमारा क्या आता है, ये विक्रय मूल्य आता है। बात समझ में आई कि नहीं, जैसे कभी क्वेश्चन आ गया, ये समझ में आया, ये समझ गए बात, क्वेश्चन देखो करते हैं कैसे होगा, ये जरा ध्यान रखो। जैसे हमने कह दिया क्वेश्चन है आपका कि 20% लाभ को, मतलब 20% प्रॉफिट को शुद्ध लाभ में बदलो, मतलब मार्जिन में बदलो, शुद्ध लाभ में बदलो। अच्छा, मार्जिन हमेशा परसेंटेज में होता है, ये ध्यान में रखना, जो मार्जिन अभी पढ़े वो कितना हमेशा किसमें होता है, परसेंटेज में होता है। जैसे दुकानदार को बोलते हुए बहुत सुने होंगे कि यार इसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है, बहुत कम मार्जिन है, मतलब जिस प्राइस पे हम इसको बेच रहे हैं उस पर हमें प्रॉफिट बहुत क्या है, कम है, ऐसा लोग बोलते हैं ना, उसका मतलब यही है। तो 20% लाभ को शुद्ध लाभ में हमें क्या करना है, इसको बदलना है। तो देखो 20% लाभ है तो अब इसको क्या करना हो, इसको पहले भिन्नात्मक मान में बदल लो। तो यहाँ से लिखना बड़ा आसान हो, 20% को अगर मैं भिन्न में बदलूंगा तो कितना होगा, ये 1/5 होगा, मैंने बताया था 20% का मतलब भिन्न में बदलेंगे क्या होगा 1/20। चेंज मेथड, इस मेथड को बोलते हैं बेस चेंज मेथड, अभी मैं बताऊंगा तुम्हें बेस चेंज मेथड। ये सब मैंने परसेंटेज में पढ़ाया, बेस चेंज मेथड मतलब आधार में परिवर्तन करके इसको एक लाइन में किया जा सकता है। अब देखो 1/5 हमारा लाभ हो गया, 1/5 हमारा क्या हो गया, लाभ। अब ये जो लाभ निकला होगा ये किस पे निकला होगा, ये कॉस्ट प्राइस पे निकला होगा, ये किस पे निकलेगा, तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सीपी हो गया। क्योंकि जो जनरल हम लाभ निकालते हैं, जो प्रॉफिट निकालते हैं, वो प्रॉफिट अपॉन क्या होता है, हमारा सीपी होता है, प्रॉफिट अपॉन क्या होता है, सीपी। अगर हमें एसपी चाहिए तो एसपी बराबर क्या होता है भाई, सीपी प्लस का क्या हो जाए हमारा प्रॉफिट, जो हमारा कॉस्ट प्राइस है उसमें अपने प्रॉफिट को ऐड कर दें, वही हमारा क्या होगा, सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस के लिए नंबर कौन सा आ रहा है जरा बताओ, 5 आ रहा है, प्रॉफिट के लिए नंबर कौन सा आ रहा है, 1 आ रहा है, तो सेलिंग प्राइस के लिए नंबर क्या आएगा, 6। तो अगर मुझे मार्जिन निकालना है, क्या निकालना है, मार्जिन या शुद्ध लाभ, मार्जिन निकालना है या फिर हमें क्या निकालना है, शुद्ध लाभ निकालना है, तो ये कैसे आएगा, प्रॉफिट वाला ऊपर ही रहेगा 1, लेकिन बेस में हमारा क्या होता है भाई, पी अपॉन एसपी होता है ना, ये पी अपॉन एसपी इंटू 100% होता है, ये हमने कहा ना मार्जिन हमेशा किस पे निकलेगा, सेलिंग प्राइस पे। प्रॉफिट हमारा 1 का है लेकिन सेलिंग प्राइस कितना है, 6 है, 1/6 का मान अभी हमने बताया कितना होता है, ये 1/6 का मतलब कितना हो गया 16.66%, या इसी को आप क्या लिखेंगे, 16 whole 2/3%। समझ गए भाई, तो 20% शुद्ध लाभ को अगर मुझे मार्जिन में बदलना हो तो कितना हो जाएगा, ये देखो 16.66%, 16 क्या हो जाएगा, ये 6.6%। नोट करो जल्दी से, घर पे आप शायद ही बता रहे हैं।
नोट करो, नोट करो, जल्दी करो। अभी समझ के कैसे करना है? अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, करो। लिखो इक्वेशन, लिखो 40% लाभ को शुद्ध लाभ में बदलो। शुद्ध लाभ में क्या करो इसको, मतलब क्या है? पहले 40% का भिन्नात्मक मान लिखो, जल्दी से बताओ क्या आएगा। 40% को भिन्नात्मक मान में लिखेंगे तो कितना आएगा? ये 110 है, ये याद कर। 4/5 2/5 होगा, 45। 2/5 है ना ये। तो प्रॉफिट जो हम निकालते हैं, परसेंटेज का प्रॉफिट, वो हमेशा किससे होता है भैया? सीपी पे होता है। ये हमारा प्रॉफिट है। अगर मुझे एसपी निकालना होगा तो सीपी में एसपी प्रॉफिट को जोड़े हम, तो कितना हो जाएगा एसपी हमारा? 7 हो जाएगा। जब मार्जिन की मैं बात करूंगा, जब मैं शुद्ध लाभ की बात करूंगा, मार्जिन या फिर हमारा क्या है ये शुद्ध लाभ की जब आप बात करोगे, तो क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन एसपी होगा इनटू 100। तो बेस में कितना आएगा? 7 आएगा। ऊपर क्या हो गया? 2। और 2/7 के लिए हमने अभी बताया, ये वैल्यूज याद रहनी चाहिए। देखो मुझे याद होगा, मैं फटाफट लिख लूँगा। ये 28 पॉइंट कितना हो जाएगा तुम्हारा बताओ? 5.7%। ये सब याद रहने चाहिए, इसीलिए हमने लिखवाया है। मैंने कहा ना, ये सब ट्रिक्स हैं भैया। ये एग्ज़ाम, वन डे एग्ज़ाम दे रहे हैं हम लोग। कोई एकेडमिक एग्ज़ाम नहीं है कि हमारे पास टाइम सफिशियंट होगा। वहाँ टाइम कम से कम होगा, जल्दी से करना है तो कुछ ज़रूरी चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। समझ गए? ठीक है, नोट करो। ठीक है, तो अभी लाभ को हम लोग क्या किए? मार्जिन बदले। कभी उल्टा भी आ सकता है, कुछ शुद्ध लाभ को लाभ में बदलो, मार्जिन को सिंपली प्रॉफिट में बदलो। किया जाए इसको, हटाए से। चलो अब क्वेश्चन एक दे रहे हैं, दूसरा लिखो। मान लो यही लिखा हमने, 40% शुद्ध लाभ को, मतलब मार्जिन को साधारण लाभ में बदलो, या लाभ में बदलो, लाभ में बदलो। मतलब मार्जिन को किस में बदलने के लिए हम कह रहे हैं? ये हमारा मार्जिन है, मार्जिन को हम कह रहे हैं सिंपल प्रॉफिट में बदलने के लिए। ओनली किस में? सिंपल प्रॉफिट में बदलने के लिए। ये सब क्वेश्चंस आते हैं, समझ गए या? आसान नहीं है इतने। अब शुद्ध लाभ है, 40% को पहले भिन्नात्मक मान लिखो इसका। 40% का मतलब क्या हो गया? अभी हमने बताया 40% का अंदर कितना हो गया? 2/5। अब देखिए, जब मार्जिन की हम बात करते हैं तो बेस में हमेशा क्या आता है? बेस में हमेशा एसपी होगा। ये तो प्रॉफिट ही होगा ना, ये प्रॉफिट हो गया, ये हमारा क्या हो गया? एसपी हो गया। अब देखो इसमें क्या होगा, ये प्रॉफिट हो गया, ये हमारा क्या हो गया? एसपी हो गया। अब जरा देखो, जब हमें सीपी चाहिए तो हम क्या करेंगे? एसपी में से प्रॉफिट को माइनस करेंगे। सी पी इक्वल टू क्या होगा? सेलिंग प्राइस माइनस का प्रॉफिट। तो माइनस करो इसको, कितना आएगा जरा बताओ? तो इसका क्या है? इसके लिए 5 है, इसके लिए कितना है? 2 है। 5-2 करूंगा कितना आ जाएगा? 3 आया कि नहीं? तो अगर मैं परसेंटेज प्रॉफिट चाहिए, केवल सिंपल प्रॉफिट या शुद्ध केवल साधारण लाभ चाहिए हमें, तो ये पी अपॉन क्या होता है? सी पी इंटू 100 होता है। मतलब प्रॉफिट अपॉन क्या होता है? कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट कितने का है भैया? 2 का है, यहाँ 2 लिखेंगे। और सीपी हमारे लिए कितना आ गया? 2/3 हो गया ये 3। और 2/3 का मतलब हमने क्या बताया? 66.66% या 67%, या इसी को हम क्या लिख लेंगे? 66.63%। 0.66 कहीं आ जाए 2/3, 0.33 आ जाए 1/3, ऐसे लिखना पड़ेगा। समझ गए? जल्दी से नोट डाउन करो। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़े हैं। जल्दी सुनो, समझ में आ रहा है ना ये सब चीज़ क्या हो रहा है? याद होगा, देख रहे हो ना, फटाफट एक लाइन में आंसर आ जाएगा। याद हो जाएगी तो बातें जल्दी जल्दी बनेंगी, समझ में आया ना? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। चलो अब हमने कह दिया, जैसे चलो एक अच्छा क्वेश्चन लिखते हैं कि 33.33% शुद्ध लाभ को
शुद्ध लाभ का मतलब मार्जिन को लाभ में बदलो। लाभ में बदलो 35.33% शुद्ध लाभ को लाभ में बदलो। भाई 33.33% का मतलब क्या हो गया, 1/3। अगर इसको भिन्नात्मक मान लिखे तो क्या होगा, 1/3। मैंने बताया ना 33.33% का मतलब कितना हो गया, 1/3। अब अगर आप 20 बांध कर रहे हो किसकी, मार्जिन की, तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया, हमारा एसपी होगा, क्योंकि मार्जिन तो हमेशा एसपी पे निकलता है। अगर मैं सीपी की बात करूंगा तो एसपी माइनस पी, एसपी क्या है 3-1 कितना जाएगा, ये 2 आ जाएगा। परसेंटेज अगर मैं प्रॉफिट की बात करूंगा तो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, ये पी अपॉन सीपी इंटू क्या हो जाएगा, ये 100। ये पी कितना है 1, सीपी कितना है 2, 1/2 का मतलब कितना होता है 50% होता है कि नहीं, इसका मतलब लाभ कितने प्रतिशत का होगा, 50% का होगा। समझ में है, बात समझ में आया कि नहीं, तो यहाँ तक समझ में गए अच्छे से। कल इसके क्वेश्चन और भी कराएंगे, आज तुम लोग थक गए हो, कल आराम से इसको लेंगे, ठीक है, चलो ठीक है।